हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। टाटा स्टील की तरफ से बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए। जो बंदे फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए रिक्रूटमेंट ना हो। और दोस्तों क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस की बात कर लें, एक्सपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो क्वालिफिकेशन को तो मैंने बता ही दिया है, डिप्लोमा और बीटेक है। बट अगर बात कर लेते हैं कि आपको क्या स्किल आनी चाहिए, भाई कंप्यूटर थोड़ा बहुत मतलब MS वगैरह आना चाहिए, एज वेल एज आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। बिल्कुल ही लेटेस्ट वैकेंसी है। बट उससे पहले अभी भी यही बोलूँगा, भाई अगर आप चैनल पे नए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर लिखने में 1 मिनट लगता है, यार लिख दीजिए ना। दैट इज़ गुड फॉर मी, गुड फॉर यू। क्योंकि अगर आपके लिए क्या गुड है, गुड मेरे लिए इतना गुड है कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपके ब्रांच से रिलेटेड आता हूँ, और आपके लिए इतना गुड है कि आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड वैकेंसी मिलती है, तो दोनों के लिए है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। दोस्तों वैकेंसी से बताने से पहले मैं इतना बताऊंगा, जिन्होंने अभी तक LNT पे अप्लाई नहीं किया है, भाई 2 मिनट लगेगी, जाके अप्लाई कर दो ना। LNT का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी की जॉब लग रही है। ऑलरेडी 40,000 प्लस बंदों ने वहाँ अप्लाई कर दिया है, तो ऐसा देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ जो है दो वैकेंसी आई हुई है। फर्स्ट वैकेंसी है रिसर्च एसोसिएट, और दूसरी जो वैकेंसी है ये है मैनेजर कॉरपोरेट कंप्लेंसेज में। तो दोस्तों ये जो रिसर्च एसोसिएट में किस डिपार्टमेंट में रहने वाली है, आयरन मेकिंग रिसर्च ग्रुप के अंदर। टोटल अगर बात कर लेते हैं 0 to 3 years का यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है, मतलब बिल्कुल फ्रेशर्स वाले एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, तो कभी भी देखिए यहाँ मेंशन वन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वन वैकेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑलरेडी टाटा स्टील इतना बड़ा ग्रुप है, एक वैकेंसी के लिए कभी भी पोस्टिंग नहीं निकालता है। बट कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो ऑलरेडी उनके क्राइटेरिया में सेट होते हैं, इस वजह से आपको वही देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहां एक्सपीरियंस और क्या आपकी नॉलेज होनी चाहिए, क्या आपसे मांगा गया है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन में बताया है क्या बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए ये तो आप काम करें ना करें, आज के टाइम में MS ऑफिस तो आपको 100% आना ही आना चाहिए। दैट इज रियली गुड। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं, आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं। अब आप बोलेंगे यार हमारे पास तो सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई ये सब बहाने हैं। आज के टाइम में मोबाइल पे भी आप MS ऑफिस चला सकते हैं। क्या करना क्या है, देखिए MS एक्सेल पे आपको 2-4 कैलकुलेशन करनी है, कुछ फॉर्मूलाज जानने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पे 1000 चैनल खोल लोगे और वहाँ पूछोगे, वहाँ देखोगे वर्क एक्सेल, तो अगर आप किसी को जानना है तो मैं ही एक वीडियो बना दूंगा। एक वीडियो में मैं आपको फुल MS ऑफिस का एक्सपर्ट बना दूंगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। उसमें वर्ड भी आ गया, पावर पॉइंट भी आ गया, और एक्सेल भी आ गया, सभी आ गए, MS ऑफिस भी आ गया। तो दोस्तों दूसरी जो है टेक्निकल पेटेंट पेपर राइटिंग। देखिए टेक्निकल में क्या होता है, जब हम कोई आज के टाइम में क्या होता है कि मैं आफ्टर कोविड सिचुएशन सारी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, चीज़ें क्या होती है, सब की सब ऑनलाइन होती है, तो उसके लिए हमें स्लाइड की नॉलेज होनी चाहिए कि स्लाइड कैसे बनती है, कैसे वर्क करती है, तो उसके भी आप पे। नेक्स्ट क्या है, डेवलप अ रैपिड सॉलिडिफिकेशन सेटअप ऑफ ग्रीन सैंपल ऑफ MMC, ये तो छोड़ दीजिएगा। सैंपल प्रिपरेशन ऑफ क्लैरिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन, ये भी छोड़ दीजिएगा। ऑप्टिकल एक्सट्रैक्टिव बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, यही है, छोड़ दीजिए इसको। इसके साथ साथ अब आ गया बात आपके बेसिक नॉलेज, यही एक ही चीज है। स्किल्स में इन्होंने साफ साफ किया ओवरऑल जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, सैंपल प्रिपरेशन, इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन, ये सभी मांगा गया है। अब इसमें बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों इन्होंने साफ साफ बोला है BE BTech, ME MTech, कहाँ से, केमिकल मैकेनिकल मिनरल और मैकेनिकल, इसके साथ साथ ब्रैकेट में लिखा है एनी स्पेशलाइजेशन। दोस्तों एनी स्पेशलाइजेशन मतलब एनी ब्रांच से आपकी है तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ दी है इन्होंने, एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल फ्रेशर की रिक्वायर्ड इन्होंने किया है, तो आप फ्रेशर वाले यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। क्या मांगा है, BE BTech। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए दोस्तों साइड में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, बट मैं लास्ट में आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। अब नेक्स्ट वैकेंसी आई मैनेजर कॉरपोरेट कंप्लेंसेस की। देखिए इन्होंने साफ साफ बोला है, देखिए इन्होंने एक चीज़ और डायरेक्टली बोली है कि आपको जो है 2 ईयर का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन पर रखा जाएगा, लेकिन इसके बाद बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टूडो में जो आपको जो है 2 to 3 years आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ 0 to 2 years इन्होंने बोला है एनी ग्रेजुएशन इज इक्वेलेंट टू, और आपको पता ही है BA BBA से ज़्यादा ही वैल्यू होती है डिप्लोमा की, चाहे आपने किसी भी ब्रांच से की हो। तो BA BBA वाले यहाँ अप्लाई ज़रूर करें, या फिर डिप्लोमा वाले यहाँ अप्लाई
ज़रूर करें। इसके साथ साथ देखिए इन्होंने क्या क्या मांगा है, चीफ लीगल ऑफिसर और स्किल्स क्या इन्होंने डेवलप की है। इन्होंने बोला है कि स्ट्रॉन्ग टीम एबिलिटी प्लेयर, गुड इंटरपेचुअल, इसके साथ साथ गुड इंप्रूवमेंट एंड एनालिटिक स्किल ऑफ कॉरपोरेट लॉज। दोस्तों ये लॉज के बारे में आपको, और वो तो हम सीख ही जाते हैं क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होती है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यहाँ जैसे ही आपने अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखेंगे तो आपको सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप देखेंगे तो इन्होंने बोला है आई एग्री। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ टाटा स्टील के रिगार्डिंग या किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, याद रखिए जो आपसे जॉब के अगेंस्ट में मनी की डिमांड करता है वो कभी भी आपको जॉब नहीं देगा, वो ऑलवेज आपके साथ फ्रॉड करेगा। तो कभी भी आपको पैसा नहीं देना है, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। इसके साथ साथ टाइटल में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ये पूरा डाल दीजिएगा, प्रोफेशनल डिटेल्स यहाँ, और आर यू वर्किंग इन टाटा ग्रुप कंपनीज नो कर दीजिएगा। इसके साथ साथ ये प्रीवियसली कभी टाटा स्टील में अप्लाई किया है क्या। इसके साथ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अगर आप डिप्लोमा भी है तब भी, स्पेशलाइजेशन आपकी कौन सी है, अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग फाइनेंस या फिर सिविल, किस ब्रांच से, इंजीनियरिंग में है, सिविल में है, मैकेनिकल में है, जिसमें भी है आप यहां मेंशन कर दीजिएगा। अपलोड रिज्यूम, रिज्यूम के लिए मैंने सुबह भी वीडियो में डाला था, अगर आपको अपने रिलेटेड रिज्यूम चाहिए तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक अच्छा सा रिज्यूम फॉर्मेट जिस ब्रांच से चाहिए, ब्रांच और पास आउट ईयर में रिज्यूम के आगे लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। इसके साथ साथ एनी कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों, एनी सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट है लाइक आपके पास कोई भी ऑटो कैड है या फिर स्टेट प्रो है या फिर एक्स्ट्रा कोई भी सर्टिफिकेट है लाइक एमएस का है या कोई भी है, वो मेंशन कर दीजिएगा। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ से आपको रिप्लाई आने के चांसेस पूरे हैं। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।